वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर टर्म ऑफ इंश्योरेंस सीरीज। यहाँ हम देखेंगे व्हाट इज डिडक्टेबल। डिडक्टेबल एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जो कोपेमेंट से टोटली डिफरेंट है और उसके बीच का डिफरेंस भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में ढेर सारी वीडियोज़ हैं, जाके उसका भी आनंद ले लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। Deductible is the amount that policyholder has to pay before an insurance company start paying up. In other words, insurance company is liable to pay claim only when it exceeds the deductible. फंडा ऐसा है, मान लो मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा और डिडक्टेबल का मीनिंग बताता हूँ। मान लीजिए 5 लाख का क्लेम आया और उसका डिडक्टेबल है 1 लाख, तो शुरू का 1 लाख आपको देना है, ऊपर के पैसे कंपनी देगी। अब फंडा ये है, ऐसी पॉलिसी हम क्यों लेंगे, शुरू का 1 लाख मुझे देना है, तो मतलब अगर 50,000 का क्लेम आया तो पूरा पैसा मैं ही दूंगा, कंपनी तो कुछ भी नहीं देगी। तो ये पॉलिसी का मीनिंग क्या है, ये पॉलिसी लेके मतलब नहीं है। अब फंडा यहाँ पे क्या हो जाता है ना, इसको मैं थोड़ा डिटेल में, लंबी वीडियो बनेगी, देखते हैं। इसका बेनिफिट ऐसा हो जाता है कि इसकी वजह से ना पॉलिसी सस्ती मिलती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे को पेमेंट और डिडक्टेबल के बीच का डिफरेंस, और डिडक्टेबल किसको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए और ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया, हम वो देखेंगे। नंबर वन, को पेमेंट और डिडक्टेबल में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए दो केसेस हैं, 5 लाख का क्लेम आया दोनों केसेस में, एक जगह पे 1 लाख का डिडक्टेबल है और एक जगह पे 1 लाख का 20% का कोपेमेंट है। तो कोपेमेंट वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर 5 लाख का क्लेम आया तो 1 लाख रुपये कंपनी, 1 लाख रुपये कस्टमर पे करेगा, बाकी कंपनी देगी। बट वहाँ पे अगर 1 लाख का क्लेम आया तो 20,000 कस्टमर देगा, कस्टमर का भी धीरे धीरे कम हो रहा है, कस्टमर का भी धीरे धीरे बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्लेम साइज, कस्टमर लास्ट का 20% देगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है ना, शुरुआत का 1 लाख इसको देना है। मान लो अगर 1 लाख का ही बिल आया ना तो कंपनी 1 रुपये नहीं देगी, पूरा का पूरा पैसा कस्टमर को देना है। अब फंडा ये है, ये पॉलिसीज आई क्यों एग्जिस्टेंस में, तो ये पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आने का रीज़न ऐसा है। मान लीजिए ये हम किसको दे सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है जो कॉरपोरेट में काम करता है, अब उसका 2 लाख का ऑलरेडी इंश्योरेंस चल रहा है, अब उसको हम जाके बोले 10 लाख का और ले लो, तो क्या बोलेगा, देख भाई 2 लाख का ऑलरेडी है, 10 लाख का लूँगा महंगा आएगा और प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। मान लो अगर 20,000 की पॉलिसी बैठ रही है, बोलेगा नहीं रे जम नहीं रहा है, बहुत महंगा है, तो क्या बोलूँगा, 2 लाख का डिडक्टेबल ले ले। इससे क्या हो जाएगा, अगर कल को क्लेम आता है ना तो शुरू का 2 लाख तेरी कंपनी कवर करेगी और बाद का 2 लाख हमारी कंपनी कवर करेगी। तो यहाँ पे है ना, कस्टमर को बहुत सस्ती मिल जाती है पॉलिसी और उसका पॉलिसी 2 लाख का 10 लाख का आराम से हो जाता है। अभी कितना डिफरेंस आता है हम ये देखते हैं, जो हमारे वीडियो का लास्ट पार्ट है। ये एक्सप्लेन करने के पहले आपको बोलूँगा कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी देखो, 10 लाख की पॉलिसी है, Zone 1 का कस्टमर है, 40 का हस्बैंड है, 35 की वाइफ है, बच्चे मैंने यहाँ कंसिडर नहीं किए, सिंपल। देखो नॉर्मल अगर हम लोग फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं तो कितने का पड़ रहा है, 25,900। अगर हम 25,000 का डिडक्टेबल लेते हैं तो देखिए सीधा 6,000 से प्रीमियम कम हो गया। 50,000 का डिडक्टेबल लेंगे तो सीधा देखो 10,000 से प्रीमियम कम हो गया। 1 लाख का डिडक्टेबल लेते हैं तो सीधा प्रीमियम आधा हो गया। मान लीजिए कस्टमर का ऑलरेडी 1 लाख का पॉलिसी उसके कंपनी से चल रहा है, जिसे हम कॉरपोरेट पॉलिसी कहते हैं। अब पहले केस में क्या हो रहा था, उसको हम 26,000 की जब पॉलिसी देंगे तो कस्टमर लेगा नहीं, बोलेगा यार 26,000 बहुत महंगा हो जा रहा है, 1 लाख है, चल एडजस्ट कर लेंगे जैसे तैसे। बट मैं बोलूँगा भाई 13,000 में तेरे को पॉलिसी मिल रही है और 1 लाख तो तेरा कंपनी कवर करेगा, ऊपर का 9 लाख मैं दूंगा। तो कस्टमर एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है और पॉलिसी ले लेता है। उसके लिए भी बेनिफिशियल है, मेरे लिए भी बेनिफिशियल है और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है। अब कंपनी को क्या फ़ायदा है कि 1 लाख रुपये तक तो उसको देना ही नहीं है पैसा, तो श्योर शॉट उसका 1 लाख तो बच रहा है, तो कंपनी को इतना डिस्काउंट देने में क्या दिक्कत है। सो दिस इज़ डिडक्टेबल, शुरुआत का पैसा कस्टमर को देना है, बाद का पैसा कंपनी देगी। तो डिडक्टेबल इन शॉर्ट में, सिंपल में यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फाल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।